हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में आप लोगों को दो बातें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको टारगेट्स कब से मिलने वाले हैं, और दूसरी आपके लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि भाई यूपी पुलिस में 26,200 पद आरक्षी नागरिक पुलिस के और फायरमैन के 172 पदों का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। क्योंकि अभी अभी यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो निविदाएँ दी गई थी 27-1-2022 तक, उन्हें 10 फरवरी तक आप लोगों को सबमिट कर देना है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो पुलिस के पद हैं ये आने वाले हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट अभी कंफ्यूज हैं, भैया कह रहे हैं कि भैया ये ग्रुप डी तो बहुत लंबा खींचेगा, क्या हम इसकी तैयारी शुरू कर दें? तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कह दूं कि यूपी पुलिस की तैयारी कोई अलग से नहीं करनी है, कुछ अलग नहीं है। मैं खुद यहाँ पे 2 बार यूपी पुलिस सेलेक्टेड हूँ, तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, एक छोटा भाई या बड़ा भाई होकर जो भी समझा सकता हूँ, वो यही है कि जो आपको टारगेट्स कंप्लीट कराए जा रहे हैं, आप यूपी पुलिस का पेपर उठा के देख लेना। अगर आपको उस टारगेट से बाहर कुछ भी मिल जाए मैथ, रीजनिंग और जीके में, तब बता देना। जीके में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, अदरवाइज मैथ्स रीजनिंग पूरी की पूरी वहीं से छपती है। स्टैट जीके में भी स्टैटिक वाला पार्ट और करंट वाला पार्ट सारा का सारा वही आएगा जो आपको पढ़ाया गया है। और यूपी पुलिस की जीके भी पूरी की पूरी उसी तरह से आती है जैसे कि ग्रुप डी की आती है, क्योंकि आपको पता है कि टीसीएस ने ही पेपर करवाए थे। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आपको डाइवर्ट नहीं होना है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही कर्तव्य है अभी कि आप 23 के लिए तैयार रहिए, क्योंकि सब कुछ इसी के बेस पे होना है। सब कुछ होने का मतलब क्या है, अगर किसी वजह से, मान लो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, अगर भर्ती उड़ती का कुछ भी हुआ ना ग्रुप डी वाली वैकेंसी का, क्योंकि आपको पता है एग्जाम भले ही हो जाए 23 का, लेकिन उसके बाद तक ट्वीट चलते रहेंगे, उससे पहले भी यही सब प्रोसेस चल रहा है। तो अगर रेल मंत्रालय ने या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जायजा लिया और उन्होंने अपनी तरफ से कुछ कहा, तो वो ये भी फैसला दे देंगे कि भैया नोटिफिकेशन में जो चीज़ें थी उसी के बेस पर भर्ती पूरी की जाए, मतलब सीबीटी के भवन के बेस पर ही सब कुछ किया जाए। इसलिए सीबीटी भवन को आपको इग्नोर नहीं करना है। और बात रही टारगेट्स की, तो देखो मैं टारगेट ब्रेक नहीं करना चाहता खुद से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे बच्चों की तैयारी चल रही है, एक उन्हें सही गाइडेंस मिले। मैंने आज भी अपना, जैसे फैमिली मेंबर होता है, जैसे मेरा कोई छोटा भाई होता, मैंने उसको आपको उस तरह से समझाया कि भाई देखो आपको क्या इस टाइम पे करना चाहिए, क्या आपके लिए राइट है। और देखो जिस तरह से आज रेलवे का नोटिस आया है, नोटिस का तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितना किस तरह का नोटिस है वो, लेकिन मैंने आपसे लाइव में आज ही बोल दिया था कि प्लीज़ आप थोड़ा सा करियर को भी ध्यान देना, ऐसा ना हो कि किसी का करियर बर्बाद हो जाए। ठीक है, बाकी तो आप लोगों को सपोर्ट पूरा करना है, जिस तरह से आप जो चीज़ें कर रहे हैं करते रहिएगा, लेकिन एक हाथ में से किताब नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि चाहे यूपी पुलिस की बात करें या ग्रुप डी की बात करें, ये दोनों चीज़ें तभी निकलेंगी जब आप तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। टारगेट्स की अगर मैं बात करूँ, आप कह रहे थे कि टारगेट क्यों नहीं दे रहे हैं, या मतलब मैंने पूछा था आप लोगों से कि भैया टारगेट देने चाहिए नहीं देने चाहिए, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कहा कि हाँ भैया टारगेट हमें चाहिए। देखो टारगेट तो मैं आपको कल से भी दे देता, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलते, लगातार नीचे कमेंट आते कि साले तुझे अपने टारगेट्स की पड़ी है या हमारी वैकेंसी की हालत खराब हो गई। तो इस तरह की चीज़ें मुझे भी अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मैं आपसे किसी लालच से चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। अब कोई आदमी सही मन से अगर काम करता है ना, और उसे आके कोई बोले तो फिर बुरा लगता है। अगर मैं गलत मन से आपके साथ होता और फिर मुझे बोलता तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसलिए ही हूँ। लेकिन अगर मैं आपके साथ सच्चे मन से सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो मैं गलत सुनना भी नहीं चाहता फिर। ठीक है, चलिए बस मैं यही कहूँगा कि ये वैकेंसी आई है, 10 फरवरी तक इसका काम खत्म हो जाएगा, मतलब टेंडर कंपनी को मिल जाएगा, जिस भी कंपनी को मिलना होगा। अभी निविदाएं वगैरह दी जा रही हैं, तो अभी आप लोगों का टारगेट एक ही होना चाहिए, 23 फरवरी, भटकना नहीं है। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि भैया प्राइवेट जॉब वगैरह, मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि 23 से पहले कुछ नहीं करना है। जैसे पहले तैयारी चल रही थी भैया, ऐसे ही तैयारी रखो कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि सीबीटी बन के बेस पे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर सुप्रीम कोर्ट वगैरह में भी गई और उधर से यही चीज़ें आ जाएंगी कि भैया नोटिफिकेशन में जो चीज़ें दी गई थी उसी के बेस पे चीज़ें करो, तो फिर सीबीटी बन के बेस पे ही सब कुछ होगा। क्योंकि ट्वीट का जो सिलसिला है वो थमेगा नहीं सीबीटी के बाद भी, कि CBT 2 नहीं होना चाहिए, CBT 2 नहीं होना चाहिए, फिर दिक्कतें होंगी। इसलिए आपको CBT 1 को सीरियस लेना है। ये बिल्कुल मत सोचना कि आपको 15 गुना में आना है। आप हमेशा ये सोचना कि मुझे 100,000 वैकेंसी है और इसी में नंबर चाहिए। अगर आप ये सोच के चलेंगे, तब आप ये मान के चलिए कि आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। और ये आपको पता होना चाहिए कि अगर पोस्ट वाइज कट ऑफ भी लगेगी, तब भी आपको 100,000 में आना है, तब जाके कुछ हो पाएगा। अदरवाइज होगा यही कि आप 1 या 2 पोस्ट का लिए क्लियर करोगे, बाद में उसका मेडिकल क्लियर नहीं होगा। तो गवर्नमेंट का तो तुम्हें पता ही है कि 1:1 में बुला रही है वो, तो उसके मकसद क्या हैं? तो बस आप लोगों को बाकी चीज़ें तो समझ आ ही रही होंगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि भैया प्लीज़ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 23 के लिए तैयार रहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।